सर, हमने सुना है कि आप एंटरप्रेन्योर के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे और इससे लोगों को कैसे मदद मिलती है? एक्चुअली एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है हाँ, वो हम लोगों ने ही जनरेट किया है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर हु इज वर्किंग विद एम्ब्रॉयडरी, उन लोगों को मिला के हमने एक वर्ड जनरेट किया एंटरप्रेन्योर्स, और हम एंटरप्रेन्योर्स की पूरी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। जैसे लोग IITians है तो वैसे एक एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग काफी वर्क भी कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी कंपनी जो काम करती है, हम लोग बेचते हैं सिंगल हेड मशीन, तो लेडीज लोग घर में यूज करते हैं और वो इजीली 40-50,000 रुपीज मंथली इनकम कर सकते हैं इससे। द रीजन फॉर द लेडीज इज बिकॉज अगर आज हमको देश को आगे बढ़ाना है, तो पीएम मोदी का जो सपना है जिनमें एक वुमन को भी आगे बढ़ चढ़ के समाज में GDP ग्रोथ में पार्ट लेना पड़ता है। अगर आप वर्ल्ड लेवल की बात करो तो 38-40% लेडीज का कंट्रीब्यूशन है GDP में, राइट? और इंडिया में वही देखो तो आप 18-20% है, शायद 20 का डेटा देखो तो 17% है। और इसका रीजन ये है जो मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग मे बी आई एम राइट, बट जो इंडिया का फ्रेमवर्क है, जो सोशल स्ट्रक्चर है और बाहर का सोशल स्ट्रक्चर है, वो बहुत डिफरेंस है। राइट, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना हुआ है, लेडीज घर में बैठ के बच्चों को संस्कार देती है, बच्चों को पढ़ाती है, अपने सास ससुर का ख्याल रखती है और वो फैमिली संजो के रखती है, और हस्बैंड का काम है वो बाहर जाके पैसा कमा के लाए। राइट, और हमने शायद देखा भी होगा 10 साल पहले कि अगर लेडीज बाहर कमाने जाती है तो वो जो समाज का व्यवस्था है वो छिन्नभिन्न हो जाता है। यस, बच्चों की वो पढ़ाई खराब होती है, सास ससुर की देखरेख नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा जो मेन फोकस है वो एंटरप्रेन्योर्स, लेडीज एंटरप्रेन्योर्स पे है, ताकि लेडीज लोग घर में रह के एक खुद की आइडेंटिटी बना सके, एक फाइनेंशियल स्टेटस अचीव कर सके, एंड थर्ड थिंग वो अपने घर को संजो के रखा सके, क्योंकि वो घर से काम करते हैं, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, सास ससुर का ख्याल रख सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, तो जो लोग घर पे बैठे हैं वो फाइनेंशियली भी घर पे रह के भी हेल्प कर सकते हैं अपनी फैमिली को।